हाँ सर है। अब बिल्कुल सुनिए मेरी बात, एजेंसी तो अपने को अच्छा, दो तीन पेजेस हैं और कल संडे है ना। हाँ तो कल संडे है ही, तो कल लेने वाले अपन ये चैप्टर और जनरल क्लॉजेज एक्ट, तो ये दो कंबाइंड में चलेंगे। और इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ नेगोशिएबल, ठीक है? तो एनआई आज से चालू कर रहे हैं आप लोग का। चलिए, तो समझ गया ना, जनरल क्लॉजेज और वो सब उनके साथ करा दूंगा, तो कल ऑलमोस्ट जनरल क्लॉजेज एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और एनआई अब अलग से कर लेते हैं ताकि ये हो जाए। हाँ किसके? इजी है उसके जैसा ही है, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। अरे भाई चुप हो जाओ यार, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है थोड़ा सा ये, ठीक है? चैप्टर चार पार्ट में डिवाइडेड है अपना, ठीक है? सबसे पहले नोट्स, चेक्स एंड बिल्स, फिर पार्टीज टू नोट्स, चेक्स एंड बिल्स, इंटरनेशनल लॉ और पेनल्टीज, ठीक है? पहले ही था। अरे नहीं, रीसेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। अभी इसमें कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं। द एक्ट वॉज अमेंडेड सेवरल टाइम्स, रीसेंट थ्री अमेंडमेंट्स मेड इन द एनआई एक्ट वर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन 2002, एनआई अमेंडमेंट एक्ट 2015 एंड एनआई अमेंडमेंट एक्ट 2018, ओके? तो एन आई अमेंडमेंट एक्ट 2018 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वॉज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट एंड केम इन टू इफेक्ट, ठीक है? तो ये बोलता है कि दो सिग्निफिकेंट चेंजेस आए अमेंडमेंट 2018 से, द इंट्रोडक्शन ऑफ 143A एंड 148, दीज सेक्शन प्रोवाइड फॉर इंटरिम कॉम्पनसेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट एंड क्रिमिनल अपील, जो अपन आगे पढ़ेंगे। Done? तो अब चालू करते हैं एक्चुअल आपका चैप्टर, ठीक है? हाँ, कितने पेजेस का ये? 61 तो हाँ, क्वेश्चन 46 पेजेस है, ठीक है? नहीं, ज्यादा लगेंगे, ऐसे थोड़ी है, अंडरस्टैंडिंग। 53 है तो 50 पेज है ना, 7 आवर्स, 7 डेज कहाँ से लगेंगे यार, एक दिन में थोड़ी कर रहे हैं अपन। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 2.5 घंटे के आसपास की क्लास होती है ना, तो 3 मिनट तो अपना मतलब मोस्ट प्रोबेबली अपन वील गेट फ्री ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे। क्यों क्यों? तो मंडे ट्यूसडे तक अपन फ्री हो जाएंगे इससे। हो गया ना खत्म, और क्या बचा है आपका? नहीं, ऑडिट खत्म होने पे दे दूंगा मैं कंबाइंड। सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है भाई, मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, सुन लो मेरी बात। अपना कल की डेट में एजेंसी खत्म हो जाएगा और कल अपन चालू कर देंगे नया चैप्टर जनरल क्लॉजेस। जनरल क्लॉजेस जहां तक है कल की क्लास में खत्म हो सकता है। अरे तो आधे 15 पेजेस तो सेम है उसमें, ठीक है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के,
हाँ तो आप देखोगे ना उसे उठा के तो इंटरप्रिटेशन जैसा ही लगेगा। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, 3 घंटे की होगी तो 15-20 मिनट में ख़त्म। एजेंसी एजेंसी के 2-4 पेजेस ही बचे हैं ना, 3-4 5 मान लो आप, तो आधे घंटे में ख़त्म। फिर बाकी अपन इंटरप्रेट ये जनरल क्लॉजेस पे ध्यान देंगे और फिर अपन चालू कर देंगे ये वाला, ठीक है। और अपने मतलब अपना NI चलता रहेगा, मंडे को चलाएंगे, मंडे ट्यूसडे तक खत्म। फ्री, यू आर फ्री विथ NI, ठीक है। एंड अगर इसमें हाँ हाँ यू आर फ्री विथ लॉ, है ना। और फिर इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा मेरे को एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट है ना, जो अपना वो ऑडिट है, उसके अंदर नाफरा वाला टॉपिक कराना है एक आपको, ठीक है। तो यू विल बी फ्री विथ द एंटायर अमेंडमेंट्स इन सब थिंग, सब एवरीथिंग, सब कंप्लीट, आप एकदम फ्री मेरी तरफ से, समझ गए। इसको लेके मंडे ट्यूसडे अमेंडमेंट हो गया ना सर, सर सब सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो गए, अमेंडमेंट्स है ही नहीं, और सारी बुक अमेंडेड है। अगर कुछ और अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो वो अपन अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार फ्री हो जाओ, ठीक है। उसके बाद फ्री होने के बाद फिर रिवीजन चालू करेंगे बाद में, ठीक है। वन शॉट रिवीजन वाला जो रिवीजन है अपना, वो चालू करेंगे, बट पहले इससे फ्री हो जाओ, फाइन। तो आप मेरे हिसाब से मंडे नहीं तो खींच के ट्यूसडे को फ्री हो जाओगे, खत्म, ठीक है। चलो जी, बात कर लेता हूँ मैं, हो सकता है 12 से 3 रखूँ, नहीं तो अकाउंट्स की क्लास होगी ना। हाँ अब सुनिए मेरी बात, अरे 12:15 आ जाऊंगा मैं भाई, अकाउंट्स 15 मिनट पहले छोड़ देंगे, 15 मिनट लेट, 12:15 तक आ जाऊंगा बस, ठीक है। मेरे मेरे सामने बैठ के खा लेना, और बोलो। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल है। जैसे आज ये आपके सामने, मेरे सामने एक पेपर है, एक पेन देना प्लीज, ठीक है। अब जैसे अपन ने इस पे स्टैंप लगवा रखा है, स्टैंप लगा हुआ है इस पे, ठीक है। इस पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 1,50,000 टू आर्यन, टू आर्यन, ठीक है, फॉर गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड, और इस पे साइन भी कर दिए, साइन, ओके। तो देखो ये एक तरीके का क्या बन गया है, प्रॉमिसरी नोट। क्या मैंने कहा ना साइन ही तो करते हैं, साइन कर दिए ना, लिख दिया ना साइन। तो यहाँ पे स्टैंप लगा दिया, यहाँ पे मैटर लिख दिया, और यहाँ पे साइन हो गए, ठीक है, समझ आ गया। अब ये कब तक देना है वो, तो इसमें डेट भी आ जाएगी, ये कितने टाइम में देना है वो आ जाएगा, कि 3 महीने में वापस करना है जो भी है, तो सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर क्या हो जाएगी, मेंशन हो जाएगी। क्लियर हो गया क्या? डन, बोलिए। ठीक है भाई, तो देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या दे रखा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो या तो सिर्फ डिलीवरी करके ट्रांसफर हो सकता है, कि मैंने जस्ट आपको पकड़ा दिया, ये हो गई डिलीवरी। जैसे एक बार आओ इधर, आओ क्वेश्चन आइए इधर, ठीक है। अब जैसे आ जाओ इधर, आ जाओ, सब जानते हैं ना आपको, अरे आ जाओ तो आ जाओ। जैसे एक रेशन है, अब मैंने इसको क्या करा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पकड़ना है, इसको कहते हैं ट्रांसफर बाय डिलीवरी, मतलब ये इसका ओनर बन गया इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बाय मेयर डिलीवरी, समझ आ गया। सिर्फ डिलीवरी करी है और ये हो गया। बट अगर ये मान लो, अगर एक सेकेंड, बट अगर मान लो, ठीक है, कि अगर मैं सिर्फ ये अगर नॉर्मल डिलीवरी वाला पेपर नहीं है, मतलब कि आप इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसका होगा एंडोर्समेंट। क्या होगा? एंडोर्समेंट।
एंडोर्समेंट देखना। अब एंडोर्समेंट में क्या हो रहा है वो सुनो, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइन किया अपने और लिख दिया कि मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ कृष्ण को, समझ आ गया क्या? मैंने यहाँ पे साइन कर दिए और लिख दिया कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कृष्ण को, और यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया आज की। आज की डेट क्या है? 17/12/2022 को मैंने यहाँ पे साइन कर दिया और मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ कृष्ण को, पकड़ना इसे, ठीक है। तो आज आप देख सकते हो ये है एंडोर्समेंट, ये जो लिखा ये एंडोर्समेंट है, और ये पकड़ा दिया, ऐसे डिलीवरी हो गई। बोलो समझ आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। चलो थैंक यू, ले जाओ ले जाओ, ठीक है। एंड बोलिए समझे कि नहीं, ठीक है। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी समझ आ गया? बोलो ठीक है, समझ आ गया एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय वे ऑफ मेयर डिलीवरी, मेयर डिलीवरी तो समझ ही गए। एंड ये क्या लिखा है? बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब ये जो एंडोर्समेंट लिखा है ना आई, ये एंडोर्समेंट का मतलब होता है, लाओ एक बार और देना, अरे मैंने साइन ही नहीं करे, मैंने इसे साइन लिखा है। अब समझ आ गया? अब क्रिश्चियन ने क्या किया, ये उसने साइन की है और लेट सपोज उसको ट्रांसफर कर दिया श्रुति को, है ना, डेट लिख दी। फिर श्रुति ने क्या किया, इस पे साइन किए और ट्रांसफर कर दिया लेट से राजश्री को, वन राजश्री वन। फिर राजश्री वन ने साइन किए और लेट सपोज उसने ट्रांसफर कर दिया, तो आपका नाम क्या है पीछे पीछे जो आप बैठे हो? कृष्णा, मेरे को एक बात बताओ, अपने यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है क्या कृष्ण कृष्णा के लिए, कि भैया जिसका नाम ठीक है, मतलब हरे कृष्णा कृष्णा के नाम पे है, उसको अलग से डिस्काउंट मिलेगा? मेरे को लगता है मेरे को यहाँ अपने को यहाँ पे 10% डिस्काउंट एडिशनल चालू करना चाहिए। चलो चलो जोक्स अपार्ट, अब आप देख रहे हो ना मल्टीपल एंडोर्समेंट्स, मल्टीपल एंडोर्समेंट दिख रहे हैं क्या आपको? देख लो, मैं पकड़ा देता हूँ, ये दे दो पीछे। ये जो मल्टीपल एंडोर्समेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इसको एंडोर्समेंट कहते हैं, समझ गए? क्या कहते हैं इसे? एंडोर्समेंट मतलब एंडोर्समेंट एक बार, मल्टीपल एंडोर्समेंट मतलब एंडोर्समेंट, समझ गए? तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, द प्रॉपर्टी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट पासेस टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। अब ये ट्रांसफर होगा बोनाफाइड ट्रांसफरी को, बोनाफाइड मतलब द वन हु इज एक्वायरिंग इट फॉर अ गुड फेथ, मतलब तुम ईमानदार आदमी हो, ईमानदार इंसान हो, ठीक है, तुमने गुड फेथ में इसको एक्वायर किया है, कोई तकलीफ नहीं है। बोलो समझ आ गया क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें आती है, क्या क्या तीन चीजें आती है? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, बस। तो द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स ओनली थ्री काइंड ऑफ थिंग विल कम टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेमली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक, पेबल ईदर टू ऑर्डर और बियरर। या तो ऑर्डर पे दे दो या बियरर पे, बियरर को दे दो, ठीक है। अब ऑर्डर पे मतलब एंडोर्समेंट और बियरर मतलब जिसके हाथ में है, मतलब मेयर डिलीवरी, समझ आ गया? ठीक है भाई, यहीं तक का आज करेंगे, ठीक है। क्लास को, आज की क्लास का अंत किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अंत ही आरंभ है दूसरी क्लास का, ठीक है। ऑडिट में एक दो चैप्टर कराओगे क्या कोर्स होने के बाद? हाँ एक काम करो कोमल, चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को इमीडिएटली भेजो व्हाट्सएप पे, मैं अभी के अभी उसको सॉल्व करके भेजता हूँ, ठीक है। अभी के अभी, अभी मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, आई हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक, तो अभी के अभी आई सॉल्व इट फॉर यू एंड आई टेल यू द आंसर, मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, ठीक है, अभी भेज दो। चलिए वाइंड अप करते हैं क्लास, है ना, थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया लगा चैप्टर? मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है।